खबर झारखंड में मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और शुरुआत करेंगे धनबाद से, क्योंकि धनबाद में आंसुओं का सैलाब उमड़ा है। एक हादसे में परिवार टूट गया, बिखर गया। धनबाद का आशीर्वाद अग्निकांड पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही साथ अगली सुनवाई 17 फरवरी को तय कर दी है। आंसुओं का सैलाब, सिसक रहा धनबाद, टूट गया परिवार, बिखर गया संसार, अग्निकांड का कौन जिम्मेदार? आग की उठती ये लपटें उस अग्निकांड की कहानी कह रही हैं, जिसने शादी की खुशियों में तबाही मचाई, एक ही पल में सब कुछ बर्बाद कर दिया और खुशियों को एक ही झटके में मातम में बदल दिया। धनबाद के आशीर्वाद टावर के उस अग्निकांड को भला कौन भूल सकता है, जिसने 14 जिंदगियों को अपनी जद में ले लिया। उन्हीं में से 10 लोगों को झरिया के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक ही पल में 14 लोगों की मौत को झारखंड हाईकोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में फायर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। वहीं अदालत ने पूछा ये घटना कैसे घटी। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई। इस मामले में अगली सुनवाई से पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हमने भी संपर्क किया है जिला प्रशासन से, तो डिप्टी कमिश्नर धनबाद ने अपने 2 ऑर्डर से एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दिया है, जो इसके घटना का पूरा कारण, क्या गाइडलाइन से सेफ्टी हैजार्ड्स बाइलॉज फुलफिल किए गए थे कि नहीं, फायर सेफ्टी हैजार्ड्स का जो भी रेगुलेशन है उसको फॉलो किया गया था कि नहीं, इस पे एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। इधर धनबाद पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यहां बहुमंजिला इमारतों पर सुरक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। राज्य के फायर ब्रिगेड के पास भी संसाधनों की कमी है, जिसे जल्द दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने उपायुक्त और नगर आयुक्त को भवनों के नक्शे की जांच करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जब तक कोई निर्णय नहीं लेते, तब तक धनबाद में नया नक्शा पास नहीं होगा। मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया तो हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। मंत्री ने भी मौके का जायजा लिया, लेकिन सवाल अभी भी वही है, इन मौत का जिम्मेदार कौन है? और भविष्य में ये घटनाएं नहीं हो, इसके लिए हमने जो है उपायुक्त और संबंधित पदाधिकारियों को कड़ा निर्देश किया है कि सारी चीज़ों का, बहुत सा अभी पार्किंग का समस्या है, जो पार्किंग है, जितने लोगों ने बिल्डिंगें बना ली हैं लेकिन उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है पार्किंग का, तो उसके लिए भी हमने कहा है कि जो जिन लोगों ने बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया है, आप त्वरित उस पर कार्रवाई करें। रांची से मनीष मेहता के साथ धनबाद से नितेश की रिपोर्ट। धनबाद जिला प्रशासन और फॉरेंसिक टीम आशीर्वाद टावर अग्निकांड की जांच उन्होंने शुरू कर दी है। टीम बारीकी से दूसरे तल्ले की हर कोने की जांच कर रही है। अपार्टमेंट को फिलहाल खाली करवा दिया गया है और सभी लोग गुरुद्वारे में शरण लिए हुए हैं।